हाउज़बिल्लाह इब्न शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं जिसमें तमाम दोस्तों को बताएंगे जो लोकल गवर्नमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर की और असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर की जो जॉब्स आई हैं वो कौन कौन सी है, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पर जाने से पहले मेरे तमाम दोस्तों गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ आएँ वो आप तक पहुँच सकें। ये जी जो एक पोस्ट है MIS मैनेजर BPS 18 है, 28 असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं BPS 17 के, 2 नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर्स हैं BPS 16 के। ये जी ये जॉब्स हैं, इसको देखते हैं जी ये कौन कौन सी हैं, कहाँ से और किस तरह आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये जी जो MIS इसकी पोस्ट है, उसके बाद इनका ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, मास्टर डिग्री फर्स्ट डिग्री और ग्रेड बी इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बैचलर डिग्री 4 ईयर फर्स्ट डिवीजन ऑफ ग्रेड बी इन कंप्यूटर साइंस इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाटा बेस और सिस्टम एनालिसिस। उसके बाद जी जो ऑन नोट ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आफ्टर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन शैल बी कंसीडर, एक्सपीरियंस इज प्राइवेट इंटेंटेज शैल बी एक्सेप्टेड इफ सच इज रजिस्टर्ड विद। उसके बाद ये क्या क्या है, ये 25 to 35 साल की एज, जो 5 साल एज रिलैक्सेशन जो फीमेल के लिए 25 to 35, 8 साल की एज रिलैक्सेशन, जो इसका MCQs वन टाइप MCQs, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस 40% होगा, मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये 40%, 80% 20% जो है ना वो आपका जनरल नॉलेज करंट अफेयर वगैरह वगैरह होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल की इसकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और इसकी जो है ना 28 पोस्टें हैं। मास्टर डिग्री जो है ना किया हुआ वो सेकंड डिवीजन इन सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक साइकोलॉजी और LLB फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन। 21 to 28 साल इसकी एज है, 5 साल इसकी जो एज रिलैक्सेशन है, उसके बाद 21 to 28 साल प्लस 8 ईयर जो है ना वो 36 साल तक ये फीमेल के लिए है जी। इसका जो पेपर होंगे, 1 पेपर MCQs टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स हैविंग 90 मिनट्स, जो सिलेबस को कौन कौन सा है, मास्टर इन सोशियोलॉजी 10%, मास्टर इन सोशल वर्क 10%, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 10%, मास्टर इन इकोनॉमिक्स 10%, मास्टर इन साइकोलॉजी 10%, उसके LLB 10%, ये 40% जो है ना बाकी जो होगा वो पाक स्टडी से होगा, ये 60% यहाँ से और 40% यहाँ से, इसकी जो है ना आप इस तरह तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो है नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर है, इसके लिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, 2 पोस्टें हैं, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर डिग्री 4 साल जो इसकी है, फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम द ग्रेड इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन, 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रबल शूटिंग, ये 22 to 30 साल इसकी एज है, 8 साल एज रिलैक्सेशन है, उसके बाद 5 साल उसकी फीमेल की है। इसकी जो आप तैयारी करेंगे मास्टर इन कंप्यूटर साइंस 40%, मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 40%, 20% जो है ना वो जनरल नॉलेज। ये जी जॉब्स हैं, आप बाकी इसका अप्लाई करने का तरीका आप PPSC वेबसाइट पर जाके आप वहाँ पर इसके चलान फॉर्म डाउनलोड करके 600 रुपये चलान फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद वो सबमिट कराएंगे नेशनल बैंक में, उसके बाद जी आप फिर जाएंगे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे PPSC की वेबसाइट PPSC@punjab.gov.pk। उसकी लास्ट डेट जो है 27 जुलाई 2020 है जो क्लोजिंग डेट है। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ताकि जितने भी ज़्यादा दोस्त इस पर अप्लाई कर सकें और बरसरे रोज़गार हो सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।